अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हंसी माजी फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट मैंने आपके लिए एक जो है रिव्यू किया था नेशनल का जो ब्रांड है बहुत मशहूर पाकिस्तान का स्पाइसेस का, तो कढ़ाई गोश्त का मैंने किया था। आज मैं आप लोग के लिए फिका बोटी का रिव्यू लेकर आया हूँ। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त है, ईद भी ईद पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बकरा ईद भी आने वाली है। और कई ऐसे लोग जिन्होंने गोश्त को स्टोर किया हुआ है तो वो छोटी छोटी बोटियाँ करें, चाहे मटन का हो, बकरे का हो या चिकन का अंदर रखा हुआ है, तो ये वाला मसाला यूज़ करें तिक्का बोटी का, तो आपकी जो जो खाना है जो आपको बहुत मज़े का बनेगा, तिक्का बोटी बहुत मज़े की बनेगी। इसका जो फॉर्मूलेशन है बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए भी इसका रिव्यू कर लिया जाए। तो दोस्तों ये इनका नया और बेहतर फार्मूला है, पैकिंग भी इनकी नई है। तो ये देखिए मैंने बनाकर ऊपर लगाया भी हुआ है, बीफ टिक्का ऊपर बनाया हुआ है, और 45 ग्राम इसका नेट वेट है दोस्तों। एक साल तक इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने ओपन किया हुआ तो इसे आप एयर टाइट खुशक जगह पे रखें ताकि जो इस स्पाइस की टिक्का बोटी के स्पाइस की फ्रेशनेस कायम रहे। और दोस्तों ये मार्केट में 65 से 70 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल है, हर छोटे मोटे स्टोर पे, ग्रॉसरी शॉप पे, मॉल पे और मार्ट वगैरह पे। तो इन्होंने इधर अज्जा भी लिखे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लाल मिर्च दोस्तों, ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, खटाई है, खटाई से मराद है अमचूर पाउडर होगा, शक्कर है, एसिटिक एसिड है और एमॉर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड है बतौर एंटी केकिंग एजेंट, यानी जम ये ताकि आपस में जुड़े ना, तो इसमें कुछ केमिकल्स भी शामिल हैं। प्रोडक्ट ये हलाल है, जितने भी इसमें स्पाइस है सारे शामिल हलाल हैं। गर्मी और नमी और धूप से आपने इसे बचा के रखना है। और इसके पीछे इसकी रेसिपी भी लिखी हुई है, बहुत ईजी है, सिंपल है। गाय का गोश्त लिखा हुआ है, लहसुन, अदरक, कच्चा पपीता, तेल और नेशनल टिक्का बोटी रेसिपी मिक्स मसाला है। सब चीज़ों को मिक्स करें और इसे बारबेक्यू कर लें, तो आपको मज़ेदार टिक्का बोटी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसे आप मुख्तलिफ किस्म के मैरिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शवारमा बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्गर पैटी बना रहे हैं उसके अंदर एज अ स्पाइस डाल सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने टिक्का बोटी ही बनानी है, तो इसका मल्टीपल यूज़ है, तो किसी भी मैरिनेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं इनके फार्मूला को, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने बैलेंस बनाया। मैंने इससे शवारमा भी बनाया है, बहुत अच्छा बना। मैंने ऑमलेट बनाया, इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, बहुत अच्छा टेस्ट निकला। तो चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सा नेशनल टिक्का बोटी का जो है डिब्बे का मसाला पसंद आया होगा। ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है तो वो फटाफट लेकर आए, इसे इस्तेमाल करें। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका लास्ट में जवाब दूंगा। तो मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, एक कलर क्लाउड है और एक ये जोली अजीम है। कलर क्लाउड जो है बच्चों का, किड्स का चैनल है ड्राइंग का, तो उसे हर हाल में हमें सब्सक्राइब करना है। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।